आमिर टीवी के दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर, रक्षा ड्राइवर 58 आवर से 15 से 20 लड़कों को स्कूल लेकर आ रही थी। तकरीबन टाइम था 7 से 7:30 के दरमियान और वो एक तेज़ रफ्तार कैरी डब्बे के साथ 43 3R के करीब डारावाला रोड पे तेज़ रफ्तार कैरी डब्बे के साथ टकरा गई। नाजरीन, इस एक्सीडेंट के बारे में मज़ीद डिटेल लेने के लिए हमने आमिर टीवी के नुमाइंदे इश्तियाक अहमद के साथ रब्ता किया। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि क्या माजरा था। जी इश्तियाक, बताइए। तकरीबन अम्ब खाटी पे तकरीबन 7:30 को ताज़ा टाइम था, तो 43 3R के करीब एक रक्षा गांव से जो बच्चे लेकर शहर आता था, जी जी जी, तो एक कैरी डब्बे के साथ टकरा हुआ जो शदीद धुंध की वजह से हादसा पेश आया। साहब, ये बताएंगे कि जब टकरा हुआ तो बच्चे उसमें सवार थे, बच्चों की तादाद तकरीबन कितनी थी? बच्चे थे तकरीबन 15 से 20 थी, जो के कैरी डब्बे में तो अकेला ड्राइवर था और जो रक्षे में तकरीबन 15 से 20 बच्चे थे जो स्कूल आ रहे थे हरुणाबाद की तरफ। जी 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 जी। साहब, ये बताए इसमें जख्मी कितने हुए हैं? जख्मी तकरीबन 14-15 जो ज्यादा बच्चे जो जख्मी हुए, तो 3-4 बचे हैं, बाकी सारे जख्मी थे। बहुत ज्यादा चोटें उसको बच्चों को लगी, दो और तीन टीचरें भी थी उसको भी जख्म आए गए रहे। ओहो, अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये इसमें कोई डेड बॉडी भी हुई या नहीं? जी, एक बच्चे की डेड बॉडी हुई है, वो गाँव का बच्चा था, उसका नाम का पता नहीं चल रहा था, तो उसको चोट ज्यादा सिर में लगी तो इंजरी हो गया था, तो THQ हरुणाबाद मुंतकल किया, तो उसकी वो डेथ होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।